दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड किचन में। तो आज की हमारी रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम तो सबको पसंद आती है और ख़ास तौर पे बच्चों की तो ये फेवरेट होती है। और जैसे कि आम का भी सीजन चल रहा है, तो ऐसे समय में आप मैंगो आइसक्रीम को घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए मैंगो आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक आम लिया है, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 8 से 10 पिस्ते, एक कटोरी चीनी और आधा किलो दूध लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें दूध को डालेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। जैसे कि दूध में उबाल आ चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और बीच में इसको चेक करते रहेंगे। जैसे कि दूध आधा पक चुका है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी को दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और इसको भी मिक्स करने के बाद दूध को ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक दूध ठंडा होता है, तब तक हम आम को काट लेते हैं। अब हम आम को लेंगे और चाकू से काट लेंगे। अब हम इसमें इस तरीके से कट लगाएंगे और चम्मच से इनको निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी काट लेंगे। जैसे कि हमने आम का पल्प निकाल लिया है, अब हम इसको जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। जैसे कि ये ग्राइंड हो चुका है, अब हम इसमें दूध को डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर पिस्ते डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे कि ये मिक्स हो चुका है, अब हम इसको एक डिब्बे में डालेंगे और इसके ऊपर कटे हुए काजू बादाम और पिस्ते डाल देंगे और साथ में बच्चों के लिए आइसक्रीम मेकर में जमा लेंगे। अब हम इनको कवर करके फ्रीजर में 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। जैसे कि 10 घंटे हो चुके हैं और हमारी आइसक्रीम भी अच्छी तरीके से जम चुकी है, अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और सर्व कर लेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो आप भी हमारी तरह ये रेसिपी घर पर बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।